सिस्टर बता रहे कि 2 हफ्ते हो गए हैं इनके मोटे में चोट आई थी और बहुत दर्द कर रही थी इनकी बांह, और ये बता रहे कि मुझसे कुछ पहना भी नहीं जाता था, इनके हस्बैंड पहनाते थे इनको कमीज, और ये बता रहे कि जब मैंने हीलिंग वर्ड को रिसीव किया आज मेरी बांह पूरी तरह से ऊपर नीचे हो रही है, हम देख भी सकते दिखाओ हैं। दिखाओ करके दिखाओ, ये पहले के कैसे कहां तक रहती थी, कैसे इतले बांध इतले हाथ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, दूसरे हाथ से आप उसको ऐसे उठाते थे? हां जी, लेप भी करवाइयां पर फर्क नहीं पंदा। और आपके हस्बैंड आपको कपड़े पहनाते थे? हां जी। ओ, आज आपकी बाजू अपने आप उठ रही है। हां जी, उठाओ उठाओ और दिखाओ। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ये बहन बता रही है कि मुझे ऐसा लगता था कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, और संडे को भी, पिछले संडे को भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आई थी, लेकिन ये आज बता रहे कि आज बिल्कुल जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था ये पूरी तरह से चला गया है, और ये बहुत खुश हैं। आपने कैसे फील किया है, आपने कैसे फील किया है कि वो जा चुका है पूरी तरह से, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगी इसी? हाँ बताओ। पहले मैं साल एक तो बीमार सी, पेट खराब रहता है, हूं मैं 3 हफ्ते हो गए अमदी नु, हूं ठीक है बिल्कुल। क्या होता था पेट खराब होने से, क्या होता था? जो मैं कोई भी चीज खानी मैं पचदी नहीं। अब तुरंत टॉयलेट चले जाते थे? हां जी, उससे पहले। कितने समय से थे ये चीज? 1 साल हो गया। 1 साल से जैसे ही आप कोई चीज खाते थे उसी समय तुरंत टॉयलेट? हां जी। अच्छा, ये 1 साल से ऐसे हो रहा था? हां जी। इसके लिए आपने मेडिसिन खाई? पहले खाई, हूं नहीं खाई। पहले खाई थी। और आज आप कितना टाइम हो गया? 3 हफ्ते हो गए। अभी ऐसे आप खाते हो कोई कुछ नहीं है? नहीं। तारीफ करो यीशु ने छूले आए जदोदा, यीशु ने छूले आए जदोदा, यीशु ने छूले आए जदोदा। जिनकी गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, जिस चीज की भी है, विश्वास से हलाओ, विश्वास से खुदा का आत्मा शुरा और आजाद हो चुकी है। ये सिस्टर भी बता रहे थे कि काफी टाइम से मेरे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम से ये अब पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। हिलाओ हिलाओ अपनी गर्दन को, हिलाओ हिलाओ। हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा। इस सिस्टर को भी काफी चिर से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और इन्होंने भी प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और आज ये बता रहे कि इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम से मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूं। हिलाओ अपनी गर्दन को, हिलाओ, नहीं जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, डरो मत, डरो मत, के हिलाओ ऐसे ऐसे हिलाओ। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो प्रेरित जी जो बता रहे कि 15 दिन हो गए इनकी गर्दन बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, जो भी बता रहे कि उसके कारण जो बहुत परेशान थे, आज बता रहे कि इनका मान था कि मेडिसिन हो, फिर उन्होंने विश्वास किया नहीं आज मैं संगति में जाऊंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, और इनके लेफ्ट साइड लेग में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और जैसे हीलिंग हुई अभी पूरी तरह से फ्री हो चुके। हिलाओ गर्दन अपनी, हिलाओ जोर से, हिलाओ जोर से, विश्वास से, नहीं ऐसे नहीं हिलती, नहीं फिर मैं आकर हिलाऊंगा, फिर हिलाओ हिलाओ, तारीफ करो जदो तेरे शरीर यसूदा, जा चली जा बीमारी ए शरीर यसूदा। तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि 4 महीने हो गए इनके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, जब बता रहे कि इनकी गर्दन हिलती भी नहीं थी, जो बहुत परेशान थे, जैसे अभी हीलिंग हुई इन्होंने रिसीव कर, कितने समय से? 4 महीने से। 4 महीने मतलब हिलती नहीं थी। माइक लेकर जाओ उनके पास, मुझे पता चलने चाहिए ना अच्छे से क्या होता था 4 महीने पहले। 3-4 महीने मैं दवा प्रार्थना कर रही थी, एकदम मेरे पट्ठे जे बड़े दर्द कर देंगे। अच्छा, तो आपकी गर्दन हिलती नहीं ऐसे? हाँ, ऐसे करना तो बड़ा जोर देना, मैं कड़ाके। अच्छा, बड़े जोर से और पटाके पड़ते थे? हाँ, पटाके। अरे आज आप हिलाओ फिर दिखाओ, पर एक माइक साइड पे करो, हिलाओ हिलाओ जोर से, हिलाओ जोर से हिलाओ और तारीफ करो। डरो मत, ही चला देना ए यीशु मेरा, खुदे को भरा बना देना ए यीशु मेरा। हालेलुया, ये बहन बता रहे हैं कि इनके गर...
गर्दन में बहुत दर्द थी और हिलती भी नहीं थी। और जब इन्होंने हीलिंग को रिसीव किया, अब ये बता रहे कि मेरी गर्दन की दर्द जो पूरी जा चुकी है। कितने दिन से थी? हाँ, कितने दिन से? 11 महीने से आपकी गर्दन हिल नहीं रही थी। अच्छा, कहाँ पे रहती थी? अच्छा, तो अब कहाँ तक जा रही है? जोर से करो, हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के सामने रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के सामने। तो प्रेरित जी, जे बहन आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आई है और जे अजनाला रोड गगोमाल गांव से आई है और जे बता रही के चार साल हो गए इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी और जे बता रही कि आज सुबह भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और जैसे पेट की हीलिंग हो रही थी इन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना की। जे बता रही कि उसे समय प्रभु की आत्मा ने शुआ जे बिल्कुल उस दर्द से फ्री हो चुके। कहाँ से आए ये? जे अजनाला रोड गगोमाल। पहली बार आए हो जी? कितने दिन से थी? कितने? 4 साल। 4 साल से थी, मतलब दर्द होती रहती थी। हाँ जी, होती रहती। इसके लिए आपने मेडिसिन खाई? खाई थी पर अब नहीं खाती। अब नहीं खाती, मगर फिर भी अपने सांस में थे पर दर्द होती रहती, पर आज परमेश्वर ने पूरी तरह क्या किया। तारीफ करो जोर से। वो मेरा खुदा है, जोर से जोर से जोर से जोर से, जिंदा खुदा है। ये बहन बता रहे हैं कि कल मेरा बीपी बहुत बड़ा हुआ था और चक्कर भी आ रहे थे। इनके परिवार वाले कह रहे थे कि आज तुम चर्च मत जाओ, और लेकिन ये विश्वास के साथ आए हैं और ये बता रहे कि जब मैंने हीलिंग को रिसीव किया तो जो ये प्रॉब्लम थी अब मैं इस प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी हूँ। बीपी का रोग था, जब आपके घर वाले रोक रहे थे, मना कर रहे थे ना जाओ, पर आप विश्वास से आए, अभी कोई बीपी नहीं है। विश्वास से आए कि मेरे लिए कोई बीपी नहीं है, मैं चर्च जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक है। नाच के दिखाओ मुझे। हो जा, चली जा बीमारी, यीशु मसीह यसूदा, जा चली जा बीमारी, यीशु मसीह यसूदा। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।